हेलो गाइस, जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली प्राइम के 9 लेसन में बिल बाय बिल, रिसिप्ट, पेमेंट, ये सारे चीज़ के बारे में डिटेल्स जानने वाले हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। दोस्तों टैली प्राइम के आज के लेसन प्लान में हम लोग उधार खरीदना, बेचना और पैसा रिसिप्ट करना और उसको फिर से पेमेंट करना, ये चार टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम में हमने ऑलरेडी ABC नाम से कंपनी बना ली है और यहाँ पे हमें आपको उधार आज परचेस करना और सेल्स करना बताना है। फिर हमें जिससे उधार परचेस करेंगे उसका पैसा पेमेंट करना और जिससे उधार बेचेंगे उससे पैसा रिसिप्ट करना सीखेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत सारे चीज़ आपको समझ में आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलते हैं F11 में, यानी कीबोर्ड का F11 प्रेस करना है और यहाँ से बिल वाइज एंट्री, जो इनेबल बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा और मेंटेन अकाउंट्स का, इस दो ऑप्शंस को आपको यस करना होता है। दोस्तों अगर आपके टैली में ये दोनों फीचर्स नो है तो इन दोनों ऑप्शंस को यस करके और फाइनली इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब आपको क्या काम करना है, जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर प्रेस करना है। उधार खरीदने के लिए परचेज हम बॉक्स खुलेंगे यहाँ से, तो परचेज पे क्लिक करेंगे, परचेज खुलेगा, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल देंगे, इंटर करेंगे, डेट डालेंगे, फिर इंटर करेंगे, पार्टीज का नेम डालेंगे, इसके लिए क्रिएट में जाएंगे और एक पार्टी का नाम हम यहाँ से बनाएंगे राहुल कुमार, इंटर करेंगे। इसका लेजर जो है अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति से हम परचेज करते हैं तो उसका लेजर सन्ड्री क्रेडिटर में ही जाता है। फिर इसको इंटर करेंगे, बिल बाय बिल ऑप्शन यस रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। फिर इंटर करेंगे दोस्तों और इसको भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब अगला काम आपका पूछेगा परचेज लेजर का, तो इसके लिए फिर से हमें क्रिएट ऑप्शन पर जाना है और एक लेजर बनाना है परचेज का। दोस्तों परचेज का लेजर अंडर जो जाएगा परचेज अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सामान पूछेगा कि कौन सा सामान आप उधार खरीदने वाले हैं, तो इसके लिए ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम सामान ले लेते हैं SHIRT शॉर्ट, इंटर करेंगे, ये अंडर जाएगा आपका क्लॉथ में, तो इसके लिए फिर से हमें क्रिएट पर जाना है और यहाँ से CLOTH क्लॉथ का एक स्टॉक ग्रुप बनाना है, क्लॉथ अंडर प्राइमरी में जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ अंडर क्लॉथ आ जाएगा आपका। अब यूनिट इसका पीस होता है, तो यहाँ से हम क्रिएट पे जाएंगे, इंटर करेंगे और इसका या तो पैकेट का बना लीजिए या फिर पीस में बना लीजिए, तो हम PC का बना लेते हैं, पूरा नाम PIECE होता है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। रेट ऑफ ड्यूटीज़ कुछ नहीं डालना है, इंटर करना है, एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों शर्ट का कितना पीस आपको क्वांटिटी लेना है, तो मान लिया जाए 1500 पीस हम ले रहे हैं, एक का रेट 260 रुपया है, तो टोटल प्राइस 3,90,000 हो जाता है। इंटर करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन आएगा जिसमें न्यू रिफरेंस को भरेंगे, नेम पूछेगा, तो नेम में हम राहुल डाल लेते हैं, राहुल कुमार, इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से ड्यू डेट पूछ रहा है कि कितने दिनों के लिए उधार ले रहे हैं, एक अल्टीमेट डेट बताया जाए, तो इसके लिए हम ले लेते हैं सपोज 10 डेज, इंटर करते हैं और एक नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज क्रेडिट। नरेशन लिखने के बाद हम इसको इंटर करके और एक्सेप्ट करा देते हैं, तो ये उधार की एंट्री परचेज की हो गई। अगर मान लिया जाए इसे पैसा अगर आज ही पेमेंट करना हो या डेट आ गया है पेमेंट करने का, तो हमें पेमेंट करने के लिए यहाँ से पेमेंट ऑप्शन को खोलना होगा। पेमेंट खोलने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको पेमेंट किसको करना है, राहुल को, तो राहुल को सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से राहुल के यहाँ ड्यू अमाउंट बता दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे राहुल के यहाँ ड्यू अमाउंट 3,90,000, यानी 3,90,000 बताया जा रहा है राहुल का जो पैसा है, तो 3,90,000 इंटर करके हम डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इंटर करेंगे तो एक छोटा सा फिर से रिफरेंस का पॉपअप आएगा, यहाँ से अगेंस्ट रिफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल्स लिखा हुआ आ जाएगा राहुल का, इंटर करेंगे और इसको हम इंटर करके और कैश अगर पेड कर रहे हैं तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करते हैं
और इंटर करते हैं और फिर यहाँ पे नरेशन लिखते हैं बीइंग कैश पेड टू राहुल। उसके बाद दोस्तों इंटर करके हम इशू कर देते हैं एक्सेप्ट। तो ये आपका परचेज और पेमेंट का काम हो गया। अब आपको उधार सोल्ड करना है, इसके लिए सेल्स खोलना है एफेट से। किससे बेचना है तो यहाँ से अल्ट सी करेंगे या फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे एक नाम, जैसे हम एक नाम अनिल का बना लेते हैं। इंटर करेंगे, ये अंडर जाएगा आपका सन्डी डेटर्स में क्योंकि इससे हम बेचने वाले हैं। और यहाँ से बिल बाय बिल ऑप्शन यस रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर से इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। नाम यहाँ अनिल का रहेगा, स्टेट वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक डिफाइल्ट शो करेगा। लेज़र हम यहाँ से डालेंगे सेल्स का, तो क्रिएट पे क्लिक करके एक लेज़र मुझे बनाना पड़ेगा नया सेल्स का। इंटर करेंगे, ये अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में। फिर इंटर करेंगे टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। नेम ऑफ आइटम में यहाँ से हम शॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे। कितना क्वांटिटी बेचना है तो सपोज 12 पीस, रेट 650 के रेट से, अमाउंट अपना आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इंटर करेंगे और एक नरेशन यहाँ पे छोटा सा पहले पॉपअप आएगा, इसमें रेफरेंस न्यू, नाम है अनिल कुमार। इंटर करेंगे फिर और कितने दिनों के लिए उधार बेच रहे हैं तो एक डेट डाल देते हैं जैसे 5 डेज। और इंटर करने के बाद एक नरेशन लिखेंगे बीइंग क्रेडिट सोल्ड। फिर से हम इंटर प्रेस करेंगे और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों सेल्स का ट्रांजेक्शन्स भी आपका उधार हो चुका है। अगर आप इसका पैसा भुगतान करना मतलब भुगतान लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फिर से रिसिप्ट करना होगा। तो रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, रिसिप्ट खुलेगा, पैसा अनिल से लेना, अनिल पे क्लिक करेंगे तो अमाउंट बताएगा कि 7800 रुपया है। 7800 हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ से फिर से वही पॉपअप आएगा जो आपको परचेज और सेल्स के समय आया था। तो यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है। दोस्तों जब भी आप या तो पेमेंट करें या पैसा रिसिप्ट करें तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस ही सेलेक्ट करना है। यहाँ से पेंडिंग बिल में अनिल को सेलेक्ट कर लेना है और इंटर करना है। अगर ये पैसा आप कैश ले रहे हैं, कैश को सेलेक्ट करेंगे, एक नरेशन टाइप करेंगे बीइंग कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट, और दोस्तों इसको इंटर करके हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरह से दोस्तों आज आपने उधार खरीदना, बेचना, पैसा लेना और देना ये सारे चीज़ सीख लिए। दोस्तों अगर आप पिछला सेशन नहीं देखे हैं तो आप बैक जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और मेरा जो पिछला सेशन है जो भी टैली प्राइम का उसको देखिए। इससे क्या होगा कि आगे वाले आने वाले सेशंस और जो सेशंस चल रहे हैं ये सारे सेशंस आपको अच्छा से समझ में आएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।